नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आइए इस वीडियो में हम तीन ऐसे स्टॉक्स का डिस्कशन करेंगे जो रिसेंट में लिस्ट हुए थे। हम स्क्रीनर के थ्रू इनका फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, न्यूज को देखेंगे और चार्ट के माध्यम से इनका फ्यूचर टारगेट्स को एनालाइज करेंगे। मैं चर्चा शुरू करने से पहले बताना चाहता हूँ, इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसे जरूर ज्वाइन करिए। वहां पर हमारे सब्सक्राइबर्स डेली बेसिस पे अच्छा पैसा कमाते हैं। हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं है और हमारे वीडियोस केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए होते हैं। आइए दोस्तों, अब हम डेटा पैटर्न से शुरू करते हैं। तो मार्केट कैप इसकी करीब 3900 करोड़ के पास है। आरओई देखेंगे, बढ़िया है, 30.8% आरओसी बढ़िया है। पीई थोड़ा सा हाई है, बट ये जिस इंडस्ट्री में है वहां पे इतना पीई कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आरओसी या आरओई दोनों बढ़िया चीज है दोस्तों। जो पॉजिटिव साइन है वो ये है कि कंपनी में डेप्थ थोड़ी सी काफी थी, उन्होंने थोड़ी कम हुई है, बट अभी भी देखिए काफी डेप्थ है। और अगर आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए सेंट्रम इलेक्ट्रॉनिक्स 150 और इन सब में चल रही है। तो और भी जो कंपनीज डिफेंस में हमारी चलती है, एमटार और ये सब, पारस डिफेंस, इन सब का भी पीई काफी हाई है। तो इनके बारे में अगर मैं थोड़ा सा देखूंगी कंपनी करती क्या है, तो यहाँ पे ये देखिएगा, डिफेंस एंड एरोस्पेस इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशंस कैटर्स टू द एंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ डिफेंस एंड एरोस्पेस, स्पेस, एयर, लैंड, सी। तो ये सारी चीजें बेसिकली ये डिफेंस को इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशंस आप कह सकते हैं देती है। इनकी लिस्टिंग बहुत अच्छी हुई थी, 48% का प्रीमियम्स के संग लिस्ट हुआ था, बट डे एंड होते होते करीब 35% के प्रीमियम तक ही बचा था। आइए छोटा सा इनका वन डे का चार्ट लगा के देख लेते हैं, क्योंकि अभी रिसेंट में एकदम लिस्टिंग हुई है। तो यहाँ पे देखिए बहुत बढ़िया लिस्टिंग हुई थी, 880 तक गया था, बट फिर काफी ज्यादा इसमें गिरावट हुई, चलता रहा एक ही रेंज में आप कह सकते हो, फिर एंड में काफी अच्छे से स्टीप फॉल आके 750 के आसपास ये स्टॉक हमारा क्लोज हुआ है। तो अब इस स्टॉक में दोस्तों क्या करना है आप लोग को, तो कुछ नहीं आप ज्यादा कर सकते, ज्यादा कुछ है नहीं। आप छोटा सा 725 का स्टॉप लॉस लगाइए और टारगेट्स रखिए 800 और 880 के, और लॉन्ग टर्म में आप इसी कंपनी को जरूर कंसीडर कर सकते हैं, अच्छी कंपनी है। बट लॉन्ग टर्म के लिए मेरा पर्सनल है कि आप थोड़ा सा और रुक जाइए, प्राइस को स्टेबलाइज होने दीजिए और फिर इसमें अकॉर्डिंगली प्लान करिएगा। आइए अब हम मेडप्लस हेल्थ को देख लेते हैं। तो मेडप्लस हेल्थ के बारे में अगर मैं देखूं दोस्तों, तो इनके बारे में कहा है कि मेडप्लस हेल्थ सर्विस फर्स्ट स्टैंड अलोन फार्मेसी रिटेन है, जो कि इंडियन आप कह सकते हैं एनएसई पे लिस्ट हुई है। स्क्रीनर के थ्रू देखिए इनका जो पीई है वो 201 रुपए है, आरओसी आरओई उतना अच्छा नहीं है, 10-12% के ही आसपास है। तो ये थोड़ा सा मुझे पर्सनली बहुत हाई वैल्यूएशन पे है लग रहा है कि अभी कंपनी चल रही है। स्टॉक देखिए 17 टाइम्स इट बिक्स वैल्यू चल रहा है, डिविडेंड नहीं दे रही है कंपनी, लो आरओई है 5.87% का पास 3 ईयर से। तो ये थोड़ी सी एक आप कह सकते हैं चिंताजनक बात है, बट अगर आप इस स्टेप्स की अदर देखेंगे तो मेट्रो ब्रांड्स जिनकी लिस्टिंग ज्यादा अच्छी नहीं हुई वो भी 188 पी पे है। वी मार्ट आपका देखिए 2000 के आसपास का इनका पी है, जिनका की रिटेल स्टोर्स को अगर मैं कंपेयर करूं तो पी उस सेंस में उतना हाई नहीं लग रहा है। आरओसी देखिए अब जैसे आप इसका देख लीजिए, वी मार्ट का केवल 4% का आरओसी और पी इनका कितना चल रहा है 2000 के आसपास। एवेन्यू सुपरमार्ट्स का 12% का आरओई है, इनका चल रहा है 218 के आसपास। तो ये एरिया ही हाई पीई वाला है, तो केवल हमें इसलिए पीई देखो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी नहीं बनानी चाहिए। आप यहाँ पे अगर देखेंगे इनकी सेल्स, तो ईयर ऑन ईयर 1463 से बढ़ के 1880 हो गई एक साल में, और आप देखेंगे कंटिन्यूस ग्रोथ हो रही है इनकी सेल्स में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनकी देखिए काफी बढ़ गई है पिछले 5 सालों में, 37 करोड़ से 217 करोड़। तो ओवरऑल कंपनी का सब कुछ सही लग रहा है, तो आप इस कंपनी को भी लॉन्ग टर्म या मिड टर्म के लिए भी कंसीडर करके चल सकते हैं। तो मेडप्लस है क्या, बेसिकली ये आप कह सकते हैं कि इंडिया की फार्मेसी स्टोर्स की लार्जेस्ट चेन है, इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट कहा है, 21वें स्टोर है इनके पूरे ऑल इंडिया में। तो इनका डेब्यू बहुत शानदार हुआ था दोस्तों, आप सभी को पता है 31% प्रीमियम के आसपास इनका डेब्यू हुआ था। अब इस स्टॉक में हमें क्या करना चाहिए, तो उसके लिए आइए मैं थोड़ा छोटा कैंडल्स पे चार्ट को एनालाइज करते हैं। आइए तो यहाँ पे देखिए अच्छा डेब्यू हुआ था, 1140 तक गया, फिर 1040 तक काफी गिरा, काफी वोलेटाइलिटी चल रही है अभी इस स्टॉक पे। तो इस स्टॉक में दोस्तों आप पोजीशन अगर बनाते हैं तो आपको 1025 का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा और 1140 रुपए के टारगेट्स लेके चल सकते हैं।
उससे ज़्यादा अभी कुछ कहना इस स्टॉक में मुश्किल होगा लॉन्ग टर्म के लिए। मेरा मानना है थोड़ा सा आप रुक जाइए, एक दो हफ्ता प्राइस को सेटल डाउन होने दीजिए, फिर अकॉर्डिंगली पोजीशन बनाइएगा। मेट्रो ब्रांड्स की मैं अगर बात करूँ मैं दोस्तों, तो ये बेसिकली फुटवेयर का काफ़ी बड़ा ब्रांड है, तो फ्रेश एंड स्टाइलिश प्रोडक्ट्स ये देते हैं। आइए एक बार हम इनको स्क्रीनर के थ्रू भी देख लेते हैं। तो मेट्रो ब्रांड्स का भी देखा मैंने आपको दोस्तों दिखाया था, आरई पी काफी हाई है, आरओसी उसी हिसाब से कुछ खास चल नहीं रहा है, बुक वैल्यू के 30 टाइम्स ज्यादा चल रहा है। हेल्दी डिविडेंड देती है ये कंपनी 35% का, ये चीज आप कह सकते हैं थोड़ी सही है, और बुक वैल्यू के काफी एक्सपेंसिव है ये स्टॉक। और अगर मैं इस स्टॉक के बारे में दोस्तों देखूं तो अर्निंग्स में इनका 75 करोड़ का एक्स्ट्रा इनकम भी है। तो ओवरऑल आप जैसे इसमें और मेट्रो सेल्स में काफ़ी सिमिलर कंपैरिजन ही हमारा रहेगा। तो अभी इस स्टॉक में क्योंकि लिस्टिंग काफ़ी वीक हुई है और सब्सक्रिप्शन भी बहुत नहीं था, तो शायद जो हमारे बड़े FIs और DIs है वो इसको लेके उतना पॉजिटिव नहीं है, तो इस स्टॉक को आप अभी लॉन्ग टर्म के लिए तो मैं नहीं सजेस्ट कर सकता हूँ। हालांकि ऐसा कोई नेगेटिव साइन नहीं दिख रहा है, बट ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स इसके कितने रहेंगे उन सारी चीज़ों को अगर मैं एनालाइज करूँ तो शायद उतना पॉजिटिवनेस ना हो। तो यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है दोस्तों, 450 के पास का स्टॉप लॉस मेंटेन करिएगा और 510 के आसपास के टारगेट्स को आप एम करके चल सकते हैं। ये इसमें हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी रहेगी। रिसेंट IPO के स्टॉक्स होते हैं जो उसमें स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करिएगा, क्योंकि स्टॉक्स में कई बार बहुत लंबी लंबी गिरावट भी आ जाती है, तो स्टॉप लॉस आपके पास रहेगा तो सही है कि आप छोटे लॉस के साथ एग्जिट हो जाए और वापस आप कभी भी री एंट्री तो ले ही सकते हैं। तो ये थी मेरी एनालिसिस दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप हमें लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा। सोशल मीडिया पे फॉलो करिए, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए। धन्यवाद दोस्तों, अपने विचारों को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, हम जल्द से जल्द उस पर रिप्लाई करेंगे। आपका दिन शुभ हो।